बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। तो सुबह से ही भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। तमाम मंदिरों में हम देख रहे हैं सुबह से ही भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर। तो मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े हैं। इधर प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी और आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही आपको बता दें कि नव वर्ष की भी शुरुआत आज से हो चुकी है और ऐसे में आज भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। तमाम मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं को लेकर। अल सुबह से ही भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के कल स्थापना की विधि विधान की भी बात कर ले तो आज नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और आज सुबह से ही आप देखिए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं तमाम मंदिरों से यहाँ पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त पहुँच रहे हैं। अलग अलग दिन 9 दिनों तक माता रानी के दर्शन करने के लिए इसी तरीके से भीड़ मंदिरों में देखने को मिलेगी। तो माता रानी की उपासना में तमाम भक्त लगे हुए हैं। आज के दिन व्रत रखने की परंपरा है, इसके साथ ही सब उपासना में जुटे हुए हैं माता रानी के। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही आज से नव वर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें आप देखिए तमाम यहाँ पर साज सज्जा की गई है मंदिरों में। इसके साथ ही जो श्रद्धालु है अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रही हैं। कल सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही। लेकिन मंदिरों में किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है सीधे अलग अलग मंदिर की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ उमेश और इसके साथ ही भोपाल से रंजना और इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रंजना आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें जरा दिखाइए। भक्तों में कितना उत्साह नवरात्रि को लेकर देखने को मिल रहा है। नवरात्रि की शुरुआत हुई है आज और पहले दिन मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो माँ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं प्रशंसा। और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर में है जो कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचता है तमाम जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूरी होती हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सभी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी माँ की जो भक्ति है उसमें लीन नजर आ रहे हैं। और ये जो 9 दिन है 9 दिनों में माँ के अलग अलग जो रूपों की आराधना है वो की जाती है। लेकिन आज पहला दिन है और पहले दिन का इंतजार सभी को होता है क्योंकि नवरात्रि का इंतजार सभी करते हैं क्योंकि ना सिर्फ मंदिरों में बल्कि घरों में भी जो पूजा पाठ है विधि विधान के साथ वो की जाती है। और इसी को लेकर अब जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। और माँ का यहाँ पर जो विशेष श्रृंगार है वो भी किया जाता है और महाआरती का आयोजन जो है 9 दिनों तक अलग अलग होगा। लेकिन आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हीं के लिए जो तमाम जो श्रृंगार है पूजा अर्चना का जो सामान है वो माँ को अर्पित किया जा रहा है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जो मंदिर में पहुंच रहे हैं आज पहला दिन है, आप लोग पहुंच रहे हैं, कितना किस तरीके से पूजा पाठ करने वाले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो आज नववर्ष है, अपना हिंदू वर्ष का नववर्ष स्टार्ट हो रहा है और माता रानी का पहला दिन है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी तो रश बहुत कम है, अभी आप धीरे धीरे देखेंगे तो रश और बढ़ता जाएगा। समय जो मंदिर आते हैं ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है तनाव दूर हो जाता है, चिंताएं सारी दूर। हाँ, जनरली इन्हें कर्फ्यू वाली माता कहा जाता है क्योंकि कर्फ्यू के टाइम पे इनकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ का मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो आके बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मतलब पूरा जो भी टेंशन है वो फ्री हो जाते हैं। कि सभी माँ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? ये तो मेरी कुलदेवी माँ का मंदिर है और मेरे यहाँ के अध्यक्ष जो है मेरे चाचा रमेश सैनी। सुकून और शांति का यहाँ पे बहुत, मतलब ये मान के चलो यहाँ पे जगत मिल जाता है, मतलब ये कुछ कहने को शब्द ही नहीं है इसके लिए।
प्रशंसा सुना आपने कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है सारी चिंताएं सारे तनाव को भूल जाता है और ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप बैठते हैं तो आपको परम शांति का अनुभव होता है। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक इसी तरह से बिल्कुल देख पा रहे हैं हम मंदिर में किस तरीके का उत्साह और सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पीयूष, आप किस मंदिर में मौजूद है और आज नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है, शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए क्या तैयारियां हैं मंदिर में। देखिए अगर आज की बात करें तो आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और इस वक्त हम इंदौर के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा माता के मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको माँ अन्नपूर्णा के हम लोग दर्शन करवाते हैं और ये बहुत ही दिव्य मंदिर है। सबसे विशेषता इस जो है मंदिर की ये कही जाती है कि ये जो मंदिर है ये इसकी जो वास्तुकला है वो द्रविड शैली पर आधारित है, यानी कि आपने जो है दक्षिण भारत में जो मंदिर देखे हैं उसी तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे मंदिर की आर्किटेक्ट है। और माँ अन्नपूर्णा है, वैसे तो इन्हें जो है वो भोजन की देवी कहा जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर आपने प्रार्थना की तो ये मान्यता है कि जो है वो आपके घर में किसी भी तरीके की अन्न की कमी नहीं होगी। जो यहाँ के पंडित जी हैं पहले उनसे हम लोग जान लेते हैं। पंडित जी, आज पहला दिन है चैत्र नवरात्र का, कैसे माँ अन्नपूर्णा की आराधना की जा रही है और क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का? आज पहला दिन है और प्रथम दिन से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह लगभग 4 बजे से ही यहाँ भक्त आ रहे हैं दर्शन करने और फूल माला हार प्रसाद नारियल वगैरह से वो पूजन कर रहे हैं। क्या कुछ मान्यता है, कहा जाता है कि अन्नपूर्णा की अगर मान्यता है यहाँ की मनोकामना मांगी जाती पूरी होती है? हाँ, पुत्र व्यापार धन इत्यादि और शिक्षा से संबंधित संतान से संबंधित अनेक प्रकार की प्रार्थनाएँ की जाती है और माँ अन्नपूर्णा उन पर कृपा भी करती हैं। देखिए माँ अन्नपूर्णा यहाँ पर प्रभावित रहती है और ये देखिए हमारे कैमरामैन जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अगर आप देखें तो ये बहुत ही बेहद सुंदर आर्किटेक्ट है। 1950 के दौरान कहने के इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद से लगातार मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो वास्तुकला है वो काफ़ी आकर्षित करता है। चलिए कुछ और श्रद्धालु आप भी आ रही हैं, कैसे देखती हैं आज पहला दिन है? मैं तो यहाँ बहुत सालों से माला चढ़ा रही हूँ, डेली मेरे साथ माला जाती है मोगरे या कुंद की। 8 साल हो गए मुझे यहाँ पे माला चढ़ा। मोगरे की माला आप चढ़ाती हैं? जो बस 7 माला डेली चढ़ती है मेरे यहाँ पे, पंडित जी वगैरह सब पहचानते हैं मुझे। क्या कैसा आज का दिन है, पहला दिन नवरात्रि का? आज बड़ा दिन है नवरात्रि का, वैसे तो रोज ही बड़ा दिन है, रोज ही मैया के दिन है, रोज ही माता के दिन है। बिल्कुल पीयूष, यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, सभी माता रानी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ग्वालियर से उमेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उमेश, ग्वालियर में क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि भव्य तैयारियां भव्य उत्साह भक्तों में देखने को मिलता है नवरात्रि को लेकर, अल सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आप किस मंदिर में मौजूद हैं, जरा दर्शकों को भी माता रानी के दर्शन कराइए। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, ये सिंधिया राजघराने का ग्वालियर जिले का सबसे प्राचीन मंदिर है, माड़रे वाली माता का मंदिर है और कहा ये जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर मन्नत लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और निश्चित तौर पर ही जो मंदिर है इसके बाहर तमाम जो हॉस्पिटल हैं और वहाँ पर जो मरीज आते हैं उनके परिजन इस मंदिर पर आते हैं जब उनका इलाज चलता है, और जो भी मन्नत यहाँ पर मांगते हैं मरीजों की जो कामना है वो पूरी होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, चूँकि अब 9 देवी है और माँ के जो 9 रूपों का अलग अलग दिन में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। आज माँ का पहला दिन है और इसको लेकर माड़रे माता का जो मंदिर है वहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार आ रही है। और आप साफ तौर पर पहले मैं आपको तस्वीरें बता देता हूँ, लगातार जो मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं काली का जो भव्य रूप है इसके दर्शन करने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। और खासकर जब नवरात्रि होती है तब भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। मंदिर में पहले से ही पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मंदिर के पुजारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, क्या मानता है इस मंदिर की? ये देवस्थान महाकाली देवी अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी मांडरे की माता के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की स्थापना आनंद राव मांडरे द्वारा की गई। इसमें जियाजी राव महाराज द्वारा सिंधिया वंश का कुल देवी धर्म कहलाता है और कुल देवी के नाते से उनकी पहले पूजा यहाँ लगती है और सिंधिया परिवार का कोई ना कोई अतिथि यहाँ पर नवरात्रों में 2-3 चक्कर काटता है।
इसके बाद नवरात्र चैत्र की कहलाती है, इसमें पहला दिन कहलाता है। इस तरह से 9 दिन निकलते माँ कहाँ से दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ पर देवस्थान मांडरे की माता के मांडरे की माता जो देवस्थान है पूना के आगे वाई वाई के आगे मांडरा गांव के है, यहाँ पर सभी तरह के यहाँ तक पूना महाराष्ट्र इंदौर देवास के सभी वहाँ दर्शन करने नेम से आते हैं। बिल्कुल अलग अलग राज्यों से। बिल्कुल काफ़ी पुराना ये मंदिर है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मंदिर, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश, पीयूष आपका भी बहुत धन्यवाद, और रंजना आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और तस्वीरें हम